सो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। हम लोग आज डिफरेंस चेक करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट इज द टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मेरे साथ साथ लिखिए यहां पर। सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं गैल्वेनिक सेल। देखिए गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा मदद करेंगे। मैं एक लाइन यहां पर खींच रहा हूं, मेरे साथ साथ बनाते जाएगा। और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। सो चलिए इन दोनों में डिफरेंस हम लोगों को देखना है। अब आप गौर से देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों को कंबाइन वे से, इन दोनों सेल्स को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं इन दोनों को, दोनों को बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों में ही केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में रिलेशंस पाए गए हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब किसमें क्या रिलेशन है वो हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। सो चलिए फटाफट से हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर डायग्राम बना रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या था, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, और गैल्वेनिक सेल के भी यहां पर लेक्चर हो चुके हैं, तो वो भी मैं आपको वहां पर बना रहा हूं ताकि आपको डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली डायग्राम से समझ में आने लगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद कीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मैं यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल था, ठीक है, उसका डायग्राम बना रहा हूं, जरा चेक करो। आप लोग याद करो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिर्फ एक ही कंटेनर होता था। ये देखो, आप सिर्फ वहां पर एक ही कंटेनर लेते थे, सबको मालूम पड़ा। और उसी में क्या करते थे, आप दो इलेक्ट्रोड यहां पर डिप करते थे। ये देखिए, ये पहला इलेक्ट्रोड हो गया और ये आप क्या करते थे, यहां पर दूसरा इलेक्ट्रोड यहां डालते थे और उसको क्या करते थे, एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते थे, बेसिकली डिप करके रख देते थे। तो इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता था। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दोनों इलेक्ट्रोड के लिए कॉमन हो गया। सबको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट दोनों इलेक्ट्रोड के लिए कॉमन हो गया और एक ही कंटेनर में दोनों को डाल के रखा है। अब आप यहां पर इलेक्ट्रिकल इनपुट लगाते थे, तो सपोज मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज नेगेटिव सपोज एंड दिस वन इज पॉजिटिव, ठीक है। अब खास बात पर आओ, जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव में यहां पर इसको कनेक्ट किया है तो यह टर्मिनल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। सबको समझ में आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद करो, क्योंकि यहां पर एनायन जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहां ऑक्सीडेशन होता था, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, एनोड। आप लोग याद करो, देखो बहुत बच्चे ध्यान से सुनते ही नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। सबको समझ में आ गया, बस वहीं से डिसाइड होता है कि ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है वो एनोड है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इस केस में पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमारे लिए वो एनोड है। डेफिनेशंस को ध्यान से सुनिए जो बोला जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गया। सो फाइनली ये हमारे लिए एनोड है और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में जो एनायन होगा वो एनोड की तरफ जाएगा। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रोलाइट भरा हो आपने CA, तो यहां पर C पे पॉजिटिव है और A पे नेगेटिव, और नेगेटिव वाला किधर जाएगा, इस तरफ। सबको समझ में आ गया, और पॉजिटिव वाला किस तरफ जाएगा, इस तरफ। क्लियर है सब लोगों को, बस एनायन एनोड की तरफ जाता है और एनोड पॉजिटिव होता है क्योंकि एनायन नेगेटिव होता है। सबको समझ में आ गया। अब आते हैं नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। अब इसको कैथोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस तरफ रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये पिक्चर आपके क्लियर होनी चाहिए, बहुत बच्चे एनोड और कैथोड को पॉजिटिव और नेगेटिव से याद करते हैं जबकि वो गलत हो जाता है जब आप गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस भी है। और बच्चे बेवजह ही कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में पूरा पढ़ते नहीं है, तब मुझे बहुत अजीब सा लगता है। आप पहले पूरा पढ़िए। जब मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाया, मैंने आपको क्या कहा, एनोड पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी है। अब आप एनसीईआरटी की बुक खोलते हो, उसमें आपने गैल्वेनिक सेल पहले पढ़ा हुआ है और उसमें एनोड नेगेटिव है, तो आप तुरंत मैसेज कर देते हो बिना जाने, जो कि गलत बात है। आप लोग पूरा पढ़िए, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में एनोड पॉजिटिव होता है जबकि गैल्वेनिक सेल के केस में क्या होता है, एनोड नेगेटिव होता है। ये डिफरेंसेस अगर आपको नहीं पता तो इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैं डायग्राम पहले बना रहा हूं ताकि हम लोग डिफरेंसेस को बाद में देखें। ये तो हो गया हमारे लिए क्या हो गया यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जो गैल्वेनिक सेल पढ़े हैं, मैं उसका डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, गैल्वेनिक सेल को देखें, ठीक है, गैल्वेनिक सेल को नीचे बनाता हूं। यहां पर आपने दो कंटेनर लिए थे, ठीक है,
ये देखिए, ये दो कंटेनर आपने लिए, सबको समझ में आ गया। और इस दो कंटेनर में, वहां पर एक ही कंटेनर था, यहां पर दो कंटेनर है, जिसका ऑक्सीडेशन होना है उस रोल को आपने इधर डाला, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने ऑक्सीडेशन वाले को रखना है, राइट हैंड साइड वाले में रिडक्शन वाले को रखना है। यहां भी यही है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को आप ऑक्सीडेशन यहां पर दिखाई दे रहा होगा और राइट हैंड साइड में आपको रिडक्शन दिखाई दे रहा होगा। टर्मिनोलॉजी लेफ्ट और राइट में सेम ही रहती है। सो यहां पर आपने क्या किया, एक रोड लगाया और उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। जैसे कि याद करो, आपने यहां जिंक की रोड लगाई थी जो मैंने पढ़ाया था, और उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप करा, मतलब ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया। अब डिफरेंस क्या हो गया, यहां तो एक ही कंटेनर यूज होता है जबकि यहां दो कंटेनर यूज होते हैं, और अलग अलग रोड को अलग अलग कंटेनर में डाल के रखा जाता है। ये देखिए, क्या ये फर्क नहीं है? यस, दिस इज अ डिफरेंस। यहां पर कॉपर का रोड लिया था और इसको CSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डाल के रखा था। टर्मिनोलॉजी को क्लियर करो, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फाइनली हमने यहां क्या था, एक अप्लायंस लगाया था, या वोल्टमीटर लगा सकते हो, व्हाटएवर। और यहां पर हमने सोल्ट ब्रिज लगाया था। ये देखिए, ये हमारा सोल्ट ब्रिज है, जिसके अंदर हमने यहां पर नीचे कॉटन लगाई थी, और ये सोल्ट ब्रिज है, ये सोल्ट ब्रिज हुआ हमारा। यहां पर कंस्ट्रक्शन पार्ट को देखा हमने, ये सोल्ट ब्रिज है, ये हमारे लिए, जरा देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड। यहां पर क्या हो रहा था याद करो, यहां पर जिंक कैन निकल के सोल्यूशन में आ रहे थे, तो यहां पर ये टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूं था, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से और जाते कहां है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। नेगेटिव टर्मिनल से निकल के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, और यहां से क्या हो रहा था, बेसिकली उसको रिसीव किया जा रहा था। तो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए, ऑक्सीडेशन वाले टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। अब आप याद रखो, ये टर्मिनोलॉजी कभी चेंज नहीं होगी, कि हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, दोनों ही केस में सेम है, यह आप याद रखो। और कैथोड के केस में रिडक्शन होता है, यह भी आपको याद रखना है, दोनों केस में यह चीज कॉमन है। और इस तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि जिंक के एटम निकल के कहां आ रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं रोड पे, तो रोड तो होगी नेगेटिवली चार्ज, और ये रोड कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, बड़ी कॉमन सी चीज है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया जाएगा, कौन रिसीव करेगा, कॉपर, Cu+2 आयन दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, यहां पर बच्चे कह रहे हैं सर कॉपर कैसे रिसीव करेगा, मैंने कॉपर नहीं बोला, मैंने Cu+2 बोला बच्चों। Cu+2 आयन सॉल्यूशन में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके जाएंगे, और उनको रिसीव करेंगे और Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी तरफ रिडक्शन होता है। यहां पर ये दो डायग्राम से काफी चीजें क्लियर होंगी। अब मैं यहां पर मेंशन करता हूं, सबसे पहले तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में आप केमिकल इनपुट देते हो, क्या होता है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यह पहला डिफरेंस हो गया, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल में होता है, क्योंकि यहां केमिकल रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहा है, इसका मतलब वहां पर करंट मिल रही है आपको, फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। ये पहला डिफरेंस हुआ। यहां पर पहला डिफरेंस क्या लिखोगे, वहां पर आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। फर्क देखिए, क्या एक दूसरे के उल्टे नहीं है, ठीक है, हैं तो आप यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में भी तो उल्टे होंगे एक दूसरे के लिए, नहीं होंगे, तो ये डिफरेंस तो है ही। पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहां पर कैसी रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं बच्चों, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। पूरे सेल की बात करते हैं यहां, रेडॉक्स रिएक्शन की, किसी एक हाफ सेल में बात नहीं करते, तो पूरे सेल में देखिए, यहां पर देखिए गैल्वेनिक सेल में, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है जबकि वहां रिडक्शन हो रहा है, और ऐसा ही होगा, एक हाफ सेल में रेडॉक्स पूरी नहीं होगी, यहां ऑक्सीडेशन तो वहां रिडक्शन होगा, इस पर्टिकुलर पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर रिडक्शन होगा, इस तरह से होता है, ठीक है। सो फाइनली स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और यहां पर क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, करवानी पड़ती है तभी तो इनपुट दे रहे हो, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। ये सेकंड डिफरेंस हुआ। सो चलिए गाइस, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, वो सेकंड पॉइंट से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, देखिए ये रिएक्शंस होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस,
स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस। कई बच्चे पूछ रहे थे स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस बहुत सिंपल है, जो रिएक्शंस अपने आप होती हैं। अब सोचिए कि सिस्टम अगर अपने आप रिएक्शन कर रहा है तो वो खुद की एनर्जी खर्च करेगा, क्योंकि हम तो उसको करवा नहीं रहे हैं। अगर सिस्टम ने खुद की एनर्जी खर्च करी तो सिस्टम की एनर्जी डाउन होगी, और अगर सिस्टम की एनर्जी डाउन होगी तो यहाँ डेल्टा जी क्या होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विच इज लेस देन जीरो। इसका मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी। ये सिंपल कॉमन डिफरेंस है। जबकि यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, आप खुद इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो, तो यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि खुद दे रहे हो सिस्टम को एनर्जी, तो इसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब डेल्टा जी का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। ये थर्ड डिफरेंस है सिंपल सा। फोर्थ डिफरेंस की तरफ चलते हैं। फोर्थ डिफरेंस आपको यही दिखाई दे जाएगा, जनरली यहां पर एक ही कंटेनर इस्तेमाल होता है, दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही कंटेनर में रखा जाता है। ये छोटे छोटे डिफरेंस में लिखवा नहीं रहा हूं। फोर्थ डिफरेंस जरा देखिए, यहां पर एक ही कंटेनर का इस्तेमाल होता है दोनों इलेक्ट्रोड को रखने के लिए, जबकि यहां पर अलग अलग, जनरली अलग अलग इलेक्ट्रोड जो है अलग अलग कंटेनर में रखे जाते हैं। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली ये थर्ड डिफरेंस आप कह, फोर्थ डिफरेंस आप कह सकते हो, लेकिन उसके उससे अच्छा एक डिफरेंस और है क्या, कि यहां पर सोल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहां पर सोल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होता है। सो यहां फोर्थ में क्या लिखोगे, सोल्ट ब्रिज इज नीडेड। ठीक है, यहां पर तो सोल्ट ब्रिज नीडेड होगा इसको चलाने के लिए, किसको, गैल्वेनिक सेल को, जबकि यहां पर सोल्ट ब्रिज इस्तेमाल नहीं होगा। सोल्ट ब्रिज इज नॉट नीडेड, यहां पर सोल्ट ब्रिज जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। सबको क्लियर है? फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि आप गैल्वेनिक सेल की बात करो तो देखो, एनोड वो टर्मिनल जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। अब ये चीज तो फिक्स है, तो इस केस में जो एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल पे गौर करो, इस केस में जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस में जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और इस केस में जो कैथोड होता है जहां पर रिडक्शन होता है वो इस केस में पॉजिटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोड इस केस में नेगेटिव है और कैथोड इस केस में पॉजिटिव है, वहां पर लिखा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नेगेटिव टर्मिनल पे हो रहा है, यहां पर रिडक्शन पॉजिटिव टर्मिनल पे हो रहा है। इस तरफ क्या लिखोगे, फिफ्थ, इस केस में जो एनोड है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है बेसिकली वो कैसा टर्मिनल है, गौर करो, पॉजिटिव। सबको समझ में आ गया? इसीलिए कहा था कि एनोड ऑक्सीडेशन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली टेंडेंसी चेंज हो जाएगी जैसे सेल चेंज होगा। यही चीज मैं बार बार कह रहा हूं। जबकि कैथोड की बात करें अगर हम लोग, तो कैथोड कैसा, मतलब जहां पर रिडक्शन होता है, अगेन मैंने लिखा तो वही है इस तरफ देखिए, लेकिन उस तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज हो गया। यहां पर कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चे ज्यादातर इसका रट्टा मारते हैं, आप ध्यान से समझिए। एक चीज कॉमन है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन। अब आप चेक कर लो, उसके हिसाब से आप पॉजिटिव और नेगेटिव को डिसाइड कर सकते हो। वैसे गैल्वेनिक सेल के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा ट्रिक भी दिया था, लोन वर्ड याद कर लो, लेकिन वो गैल्वेनिक सेल में काम देगा, यहां पर काम नहीं देगा, उसका जस्ट उल्टा करना पड़ेगा आपको। ये देखिए, लोन का मतलब एनोड नेगेटिव होता है, किसके अंदर, गैल्वेनिक सेल में, यही तो बोला, एनोड नेगेटिव होता है, लोन वर्ड याद कर लो। तो इसका जस्ट अपोजिट यहां पर एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव। ये सिंपल सी ट्रिक से याद कर सकते हो। लेकिन एक चीज बहुत ही खासी इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो क्या, रिप्रेजेंटेशन। इन सेल्स के रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग होते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन क्योंकि आपको सवाल करने में मदद करेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखा रखा है, तो ये छठा यहां पर चेंज डिफरेंस भी समझ सकते हो आप। सिक्स्थ डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन में क्या करते थे आप, ये देखिए, यहां पर आप पहले दो लाइंस लगाते थे, आप याद करो, लगाते थे लेफ्ट साइड में, आप किसको लिखते थे, लेफ्ट साइड में एनोड को, जो कि कैसा होता था, पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहां पर पॉजिटिव का साइन मिलेगा और यहां पर नेगेटिव का साइन मिलेगा, लेकिन खास बात, दोनों लाइन के बीच में कुछ लिखा होता था, यहां पर लिखा होता था मीडियम, क्या लिखा होता था, मीडियम, यहां पर लिखा होता था इलेक्ट्रोलाइट, मतलब मीडियम और एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों आपको यहां मेंशन करने, साथ में कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर भी आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। सो ये लाइंस के बीच में लिखा हुआ है, और इस तरफ आपको क्या लिखना है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड को, और इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड को। अब ऐसे कैसे लिखते थे, इसमें लिखते थे आप एनोड इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड पर जो आपने लगाया है इलेक्ट्रोड वो कैसा है, ठीक है। जैसे कि सपोज आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया तो कॉपर लिखोगे, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया तो प्लेटिनम लिखोगे, और यहां पर क्या लिखते थे, एनोड प्रोडक्ट, तो एनोड और साथ में होता था प्रोडक्ट,
ये देखिए कोमा लगा के एनोड इलेक्ट्रोड एंड एनोड प्रोडक्ट को लिखा जाता था, ये मैंने आपको करवा रखा है बाय द वे। इस तरफ क्या लिखते थे, यहां पर लिखते थे कैथोड, ठीक है प्रोडक्ट, सबको समझ में आ गया, और कोमा लगा के कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया होता था। अब रिप्रेजेंटेशन में मालूम कैसे पड़ेगा, आपको लिख के नहीं दिया जाएगा, आप खुद को पहचानना है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का होता है, जहां लाइंस के बीच में आपको मीडियम इलेक्ट्रोलाइट लिखा मिलेगा, जबकि इस तरफ का रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत सिंपल है। कैसे, यहां पर आपको क्या करना होता है ना, ये सोल्ट ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको उसके लिए दो लाइनें लगानी होती है। ये देखिए सोल्ट ब्रिज जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए दो लाइंस लगानी होती है। एक्चुअली ये लाइन रिप्रेजेंट करती है किसके किसके बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में फर्क को। ये सोल्ट ब्रिज के रिस्पेक्ट में दो लाइंस है, जबकि ये जो लाइंस आपने लगाई है वो ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो आपने यहां पर सोल्ट ब्रिज की दो लाइनें लगाई, लेकिन उन लाइनों के बीच में कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, तो यही सबसे बड़ा फर्क हो गया। अगर दोनों लाइंस के बीच में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब गैल्वेनिक सेल है, और जो दो लाइन लगाई है उसके बीच में कुछ लिखा है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो आप ये गैल्वेनिक सेल के इस तरफ किसको लिखोगे, ये हमारा राइट साइड है ना, और ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट साइड, बोर्ड का राइट साइड, ये बोर्ड का लेफ्ट साइड, ये राइट साइड पे कैथोड को लिखते हैं। आप गैल्वेनिक सेल में कैथोड कैसा होता है जरा चेक करो, ये देखो पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव का साइन आपको दिखेगा सेल के अंदर, और यहां पर आपको नेगेटिव का साइन दिखेगा, आप इससे भी पहचान सकते हो। इसलिए कहा सेल को ध्यान से देखो, यहां पर देखो पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, जबकि यहां पर आपने नेगेटिव और यहां पॉजिटिव लगाया था, सबको मालूम पड़ गया, यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है, जबकि यहां पर उल्टा है, क्योंकि यहां पर एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, और राइट साइड में हम कैथोड को लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हम लोग एनोड को लिखते हैं, सबको समझ में आ गया। सो फाइनली इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होता है। अब देखिए यहां पर टोटल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सिंपल है, यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है कि भाई ये देखिए इस तरफ एनोड को लिखना है, ठीक है। तो यहां पर ये रहा एनोड जो कि किसका है, जिंक का, अगर जिंक और कॉपर जो लास्ट एग्जांपल लिए थे उसी को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो रोड किसका लगाया, जिंक, सबको समझ में आ गया, और जिंक को किसके सॉल्यूशन में रखा गया है वो लिखोगे, Zn+2 एक्वस, ये मेंशन करोगे, और साथ ही साथ नीचे उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिखी होगी, मान लो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C1। देखिए यहां पर ये देखिए इसी को जो लास्ट सेल आपने पढ़ा गैल्वेनिक जिंक और कॉपर वाला, वही एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यहां पर जिंक सॉलिड क्योंकि आपने जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया, कोमा लगाओगे, Zn+2 एक्वस, उसको Zn+2 के सॉल्यूशन में ही भर दिया और उसकी कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखी हुई होगी, आप चेक करना आपको बुक में मिल जाएगा। और साथ में ये हो गया सोल्ट ब्रिज, अब सोल्ट ब्रिज में क्या भरा उससे कोई लेना देना नहीं है, यहां पर नहीं लिखा होता। अब इस तरफ आते हैं, यहां पर देखिए दूसरा सेल, अब कैथोड की बात करते हैं, कैथोड में सबसे पहले सोल्यूशन Cu+2 का एक्वस सोल्यूशन भरा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, C2 मान लेते हैं, सबको समझ में आ गया, और कोमा लगा के यहां क्या लिखोगे, कॉपर सॉलिड। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन है सिंपल सा गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। सो यहां पर ये देखिए मैं फिर से बता देता हूं, राइट साइड में रिडक्शन वाले को लिखना है, यानी कि कैथोड, कैथोड अब किसका बना हुआ है, कॉपर का, कैथोड में इलेक्ट्रोड क्या लगाया है, कॉपर, और कैथोड में आपने सोल्यूशन के अंदर क्या भर रखे हैं, Cu+2 आयन, जाके लास्ट क्लास वाला चेक करो, या फिर यहां पर डायग्राम बना हुआ है इसको भी चेक कर सकते हो। और यहां पर लेफ्ट साइड में किसको लिखोगे, एनोड को, एनोड किसका बना हुआ है, Zn का, यहां कोमा की जगह कई बुक्स में ये लाइन भी लगी होती है, चाहो तो आप लाइन लगा लो, ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो लाइन लगा लोगे तो ये देखिए जिंक जो है इलेक्ट्रोड है और Zn+2 सॉल्यूशन में उसने आपने उसको डिप करके रखा है। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था इसी तरह का सवाल। अब यहां पर जब उसने ये मुझे भेजा लिख के और फाइनली बोलता है सर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो यहां पर पॉजिटिव लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, ये गैल्वेनिक सेल है, पता कैसे करोगे, दो लाइंस के बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ, या फिर आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव को देखा करो, सबको समझ में आ गया। सो इसको देख के भी अंदाजा लगा सकते हो वो कौन सा सेल है। तो फाइनली ये डिफरेंसेस है गैल्वेनिक और यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होती है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होती है। यहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जबकि यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो जबकि यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू मोर देन जीरो होता है। यहां पर सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है तभी गैल्वेनिक सेल काम करेगा, यहां पर सोल्ट ब्रिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहां पर एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, जबकि यहां पर एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। इस चीज को समझें, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट इनके रिप्रेजेंटेशन चेक करो, यहां पर दो लाइंस के बीच में कुछ नहीं लिखा जाता है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल की, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो लाइन के बीच में मीडियम इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ लिखना पड़ता है,
और वहां से उसका अंदाजा ले सकते हो। ठीक है, वहां पर एक ही कंटेनर में काम बन जाता है, यहां पर यूजुअली जनरली दो कंटेनर लेने पड़ते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के लिए। सबको समझ में आ गया? सो इस तरह से डिफरेंसेस को आप पूरा कंप्लीटली चेक कर सकते हो। मैं साइड में हट रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी के अंदर लिखो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सीखने वाले हैं। सबको मालूम पड़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम लोग वैसे तो जनरली उसका फॉर्मूला निकाल चुके हैं, लेकिन अब उसको उसकी वैल्यूज को, हर एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यूज को निकाला कैसे गया, वो निकाला गया शी की मदद से। नाउ व्हाट इज शी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो क्या होता है वो अगली क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। टिल देन आप ये सब चीजों को ध्यान से देखो, उनके डिफरेंसेस को याद करो। आपका होमवर्क आज का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर ईमानदारी से करो, ठीक है? और आप याद रखो, पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग ध्यान से सुनो क्या बोला गया है। अगर आप ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट बनाओगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? पूरा समझने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन या फिर मेल कर सकते हो। सो गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं। होमवर्क करना मत भूलिएगा और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर कीजिएगा जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।